मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब में, जहाँ कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से दावत हरीफ का अहतमाम किया गया है और यहाँ पे सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है और समाजी सियासी शख्सियात आई हैं और मज़ेदार हलीम से लुत्फ़अंदोज़ हुई। जो भी जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। मुश्किल से देखो हिम्मत करता था कि इमरान खान के खिलाफ कोई बात करे, या तो फिर उस मीडिया हाउस के इश्तहार बंद कर दिए जाते थे, या तो फिर उन एंकरों को उन टीवी चैनल से निकाल दिया जाता था, या तो फिर कुछ एंकरों को गोलियों का सामना करना पड़ा। आपको याद होगा कि जिस तरह अफसार आजम साहब पर इस्लामाबाद में हमला हुआ, जो जो भी इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ जबान खोलने की थोड़ी हिम्मत करता था, उसको अदम बर्दाश्त की सूरत में पीटीआई ने निशाना बनाया। और आज भी वही इमरान खान जब आज की हुकूमत गई है तो फिर अब आज उसको वो भी मसनूई तौर पर मीडिया की आज़ादी थोड़ी बहुत याद आती है। उसके साथ भी आज भी मुझे ये पता है कि पंजाब उसमें दो तीन इस तरह के मीडिया हाउसेज हैं, मीडिया चैनल्स हैं, जिनके इश्तहार बंद किए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि प्रेस क्लब का जो करीबी किरदार है, सिर्फ सिंध की नहीं, कराची की नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सियासत में इस्तेमाल है। और जिस तरह से हम प्रेस क्लब के चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो चक्कर जब होते हैं जब हम अपोजिशन में होते हैं, हुकूमत में आने के बाद ये चक्कर उल्टा हो जाता है और हम शायद भूल जाते हैं प्रेस क्लब। मैं समझता हूँ कि प्रेस क्लब को हमें नहीं भूलना चाहिए और मैं हमेशा अपनी तकरीर में कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो निज़ाम हुकूमत है उसमें ये एक ऐसा सुकून है जिसको हम हमेशा बेसुकून करते हैं, क्योंकि जब तक आप तनकीद नहीं करेंगे किसी भी इदारे पर और उसको अच्छाई और सच्चाई का रास्ता नहीं दिखाएंगे तो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। कराची प्रेस क्लब में कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से दावत हलीम का अहतमाम किया गया। दावत हलीम में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन और मारूफ बिल्डर अकील करीम डैडी ने शिरकत की। देखते रहिए CNW न्यूज़ सलाम पाकिस्तान। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।